ये आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्विक रिएक्शन यहां पे रामकृपाल सर से लेना चाहूंगा। सर ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार एक सवाल आता है लोगों के मन में, ईवीएम अगर पक्ष का ना हो, विपक्ष का हो या कुछ भी हो, लेकिन उसको उसको जवाब देने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर, सामने जो ये तस्वीर। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए ईवीएम का रोना तो आप जानते हैं, जो भी पराजित होता है और मान के चलिए कि जो विपक्ष में है अगर वो पराजित होता है, सत्ता पक्ष वाला तो नहीं कहेगा, लेकिन ये एक बहाना होता है और पूरी दुनिया ने देख लिया है। भारतीय लोकतंत्र जैसा कभी कहा जा रहा था, वाकई ऐसे दौर में कोरोना काल में जो कोई भी आदमी जिसने 100 साल की भी उम्र होगी तो ऐसा दौर नहीं देखा होगा, उस दौर में चुनाव कराना और वो भी आप ये सोचिए कि रिकॉर्ड मतदान हुआ है, यानी ऐसे में रिकॉर्ड मतदान होना और इस तरह से इतनी जल्दी संपन्न होना और ये काउंटिंग जो आज होकर के आएगा, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को, प्रशासन तंत्र को और इस देश की जागरूक जनता को, वोटर को, उनको मैं बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का लोकतंत्र अब इतना परिपक्व और इतना मजबूत हो चुका है, वो दुनिया के लिए एक आदर्श का काम कर रहा है जी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।